सो हेलो गाइस, दिस इज बॉय रुद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में क्या है उससे बात करने से पहले अपन लोग बात कर लेते हैं कि गाइस, एक मेरा सब्सक्राइबर है जो कि गाइस काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहा है कि यार रुद्र भाई, आप अपनी वीडियो में एक बार भाई प्लीज़ मेरा नाम लो। तो यार गाइस, पिछली वीडियो भी मैंने सोचा था कि उस मेरे सब्सक्राइबर के लिए पर्सनल में एक इंट्रो बनाऊंगा उसका नाम लेके, बट यार उस बार मैं भूल गया। और अभी भी गाइस मैं मतलब एडिटिंग कर रहा था, मेरे दिमाग से निकल के एकदम से मुझे याद आया, अरे यार इस बार बुरा लग जाएगा उसे। तो गाइस उस लड़के का नाम है वैभव चावड़िया। तो यार भाई तो आप खुश हो गए, इस बार मैंने बोला, मैंने कल आपसे बोला था इंस्टाग्राम पे कि भाई कल वाली वीडियो में आपका पक्का नाम आएगा, तो आपका नाम आ चुका है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या था। तो गाइस मैं इसी नॉर्मली केरवाड़े में उस दिन जा रहा था, कल की बात है। तो गाइस एकदम से एक दो छोटी छोटी सी लड़कियाँ थी, उनका एक छपरी बोल सकते हैं, चोर बोल सकते हैं, उनका वो वॉलेट या बैग ही था, वैसे बैग था, बैग छीन के भाग रहा था। तो गाइज वो मेरे लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और मैंने उसे लाइव पकड़ लिया था। अब गाइज मैंने उसका फेस सिर्फ इसलिए ब्लर करा क्योंकि यार एक तो वो बहुत छोटा था और यार गाइज स्थिति मजबूरियां करवा लेती हैं। तो यार गाइज मैंने उसे पकड़ लिया, फिर वो बोलता कि भैया सॉरी माफ़ कर दो, पुलिस वुलिस पे मत दो, फलान टिकाना। ठीक है यार गाइज छोटा था इसलिए मैंने भी माफ़ कर दिया, नहीं तो मैं भी माफ़ नहीं करता। लेकिन यार ऐसे कभी रोड वगैरह में दिखे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपकी सिटी है गाइज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कल को कुछ भी घटना होगी तो आप पे भी बात आई क्योंकि उस सिटी में आप ही रहते हो। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज जल्दी से आके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा गाइज, और ये है मेरा इंस्टाग्राम का नेम, यानी डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना हो तो नॉर्मली यहाँ से भी देख सकते हो, रुद्राक्ष सोनी उल्टा लिखा आ रहा है गाइज, क्या पता कि अच्छा हाँ वो रिफ्लेक्ट होता है इसलिए उल्टा लिखा आ रहा है। और गाइज ये खड़ी अपनी बेबो, तो बेबो भी यही बोल रही है जल्दी से जाओ और रुद्र भाई को जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। तो गाइज डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और गाइज वहाँ पे जो भी मुझे मैसेज करता है 90% उसको रिप्लाई मिलता है गाइज, मतलब जो भी मुझे मैसेज करता है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिप्लाई देने का सोचता हूँ। अभी यार गाइज रिसेंटली मैसेज बहुत ज़्यादा आने लगे, जब भी मैं ट्राई करता हूँ कि नहीं यार कोई निराश नहीं हो मेरी तरफ से गाइज, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, रोल द इंट्रो। नमस्ते गाइस, की क्या कैसी लाइन है? अबे ओए ओए रुक रुक रुक, ओए रुक, भाग मत भाग मत भाग मत भाग मत, भाग बोल रहा हूँ, भाग मत बोल रहा हूँ, भाग मत, चढ़ा दूंगा गाड़ी चढ़ा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा, बच्चों का कपड़ दे ओए, पर्स दे दे प्यार से, प्यार से पर्स दे दे, बोल रहा हूँ ना, रुक रहा है नहीं, रुक रहा, रुक गा। तो हेलो गाइस, दिस इज़ बॉय रुद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस स्वागत है आप सभी लोग का मेरी और सी एक न्यू वीडियो में। तो यार गाइस धूप कितनी ज़्यादा हो रही है और मैं निकल चुका हूँ अभी राइड के लिए। सो गाइस जैसे आप लोग टाइम भी देख सकते हो, 12:30 टाइम हो रहा है और अभी सोलो राइड ही कर रहा है तुम्हारा भाई। और गाइस आज मेरा अपना जो गोप्रो है वाइड में लगा के रखा है, तो बताने की क्या कैसा व्यू आ रहा है, या फिर सुपर व्यू ही अच्छा लगता है, वाइड भी अच्छा लगता है, क्योंकि यार अभी रिसेंटली बहुत से मोटो ब्लॉगर को मैंने देखा है, तो गाइस उनका जो गोप्रो की सेटिंग रहती है वो वाइड ही रहती है और मेरा सुपर व्यू रहता था। तो आज मैंने सोचा वाइड में करके देखूँ वाइड में कैसा क्या व्यू आता है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना कि कैसा क्या व्यू आ रहा है। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ भोपाल के केरवा डैम, तो गाइस सीधे आके मिलते हैं आपको केरवा डैम में, क्योंकि यार पानी पीऊँगा सबसे पहले मैं, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। गाइस आप लोग सब लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही है अभी भोपाल में, तो ऐसा लग रहा है इस बार तो सूखा ही पड़ेगा। तो गाइस केरवा डैम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, समथिंग 3 या 4 किलोमीटर बचा है। तो गाइस सीधे चलते हैं आपको केरवा डैम पे मिलते हैं, सबसे पहले पीऊँगा पानी उसके बाद करूँगा ब्लॉग स्टार्ट। तो यार गाइस वही गाइस अब मैंने स्टार्ट कर दिया वापस से अपना गोप्रो, और गलती हो गई थी कि साला टाइमर आप लग के छूट गया था, ये तो कुछ नहीं बोल सकते थे। हॉर्न भी थोड़ा बेकार टाइप का बज रहा है गाइस, हॉर्न वगैरह भी बनवाना पड़ेगा मुझे जल्दी से जल्दी। समझते गाइस कि क्या कैसी लाइन है। अबे ओए ओए रुक रुक रुक, ओए रुक, भाग मत भाग मत भाग मत भाग मत, भाग बोल रहा हूँ, भाग मत बोल रहा हूँ, भाग मत, चढ़ा दूंगा गाड़ी चढ़ा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा, बच्चों का कपड़ दे ओए, पर्स दे दे प्यार से, प्यार से पर्स दे दे, बोल रहा हूँ ना, रुक रहा है नहीं, रुक रहा, रुक गा, रुक 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 जा, तू रुक ही जा, चाबी बंद कर, क्या है क्या चीज है, पर्स किससे पूछ के चला, अबे पर्स दे, अरे छोड़, कहाँ भाग रहा है, बोल रहा हूँ तेरे को, पर्स छोड़, पर्स दे, पर्स छोड़, पर्स छोड़, पर्स छोड़, बोल रहा हूँ पर्स छोड़, नहीं आएगी तेरे को समझ में, पर्स छोड़, पर्स छोड़ दे, पर्स छोड़ दे, बे बोल रहा हूँ तेरे को, पर्स छोड़, पर्स छोड़, पर्स छोड़, पर्स छोड़, बोल रहा हूँ ना छोड़ दे, छोड़ दे, अबे बोल रहा हूँ छोड़ दे, अबे छोड़, 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 छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा, मानेगा नहीं मानेगा, पर्स छोड़, बोल रहा हूँ पर्स छोड़, अबे
तेरे को आएगी नहीं आएगी समझ? नहीं यार अच्छा छोड़ छोड़ दे छोड़ रहा है। अबे तेरी, अब बता छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा जल्दी बता, छोड़ जल्दी, अबे छोड़ जल्दी, छोड़ पर्स, छोड़ पर्स, छोड़ इधर आ जा फिर शांति से। पर्स किससे पूछ के चुराया? इधर आ, इधर आ, चल इधर आ। क्या हो गया था बेटा? बैग छिना के भाग रहा था, इसमें पैसे थे हमारे और मोबाइल वगैरह। क्यों भाई, तेरे को शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? दोस्त है तुम्हारा? नहीं। लगाऊं पुलिस को फोन? लो बेटा पर्स पकड़ो तुम्हारा। लगा लो, मुझे पता पुलिस में। लगाऊं पुलिस को फोन पहले? तू ये बता, शर्म नहीं है तेरे को? चल थोड़ी बोल, लगी तो नहीं बेटा तुम्हें कहीं? थोड़ी बोल, उठा बेटक लगवाने? पांच उठक बेटक लगा, चल छोड़ना या पुलिस में दे दे? छोड़ दो, अब नहीं करूँगा, सॉरी सॉरी। कहाँ पे रहता है? मैं यही रहता हूँ। इतना सा रखा है, ये सब काम क्यों कर रहा है? अरे मेरे साथ वालों के साथ करता हूँ। साथ वालों के साथ? हम लोगों को एक्चुअली आज बस नहीं मिली थी, हम लोग यहाँ से पैदल जा। अच्छा बस नहीं मिली थी? और चूतिया इतनी धूप में बेचारी पैदल जा रही है, परेशान कर रहा उन्हें तू? क्यों, तेरे को शर्म है या नहीं है? शर्म है या नहीं है ये बता। अबे भाग मत, नहीं एक थपाड़ा दूंगा तेरे में। मेरे को मेरा काम है, रोज का ही। रोज का काम है तेरा? चल निकल जल्दी, चल निकल जल्दी यहाँ से चूतिया। सही है बेटा, तुमको लगी तो नहीं? नहीं। क्या आप, क्या दिक्कत थी मुझे बताओ? अरे हम लोग अच्छा, ये सही में कोई दोस्त वगैरह तो नहीं था यहाँ? कोई दोस्त नहीं है, हम लोग दोनों रोज आते। वो जो छोटा सा था इसलिए मैंने उसे पुलिस में नहीं दिया, नहीं तो मैं उसकी पुलिस में दे देता उसको। हम लोग रोज डेली आते हैं यहाँ से, पर आज बस नहीं आई थी ना। अच्छा बस नहीं आई आज? अच्छा तो मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों को। नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, हमारे भाई का फोन आया था। नहीं नहीं छोड़ देता हूँ, चलो मेरी गाड़ी के पास। हमारा भाई आ रहा है, हम लोग चले जाएंगे। अच्छा तुम्हारा भाई आ रहा है, कहाँ से आ रहा है तुम्हारा भाई? नेहरू नगर साइड से आ रहा है। तो नेहरू नगर से कम से कम 35-30 मिनट लग जाएंगे आराम से। लेकिन बेटा मैं छोड़ देता हूँ, देख रहा हूँ कि धूप कितनी हो रही है, वो तो देखो तुम लोग। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। ये मत सोचो, एज अ ब्रदर मैं तुम्हारा बड़ा भाई जैसा ही हूँ, वो उसकी दिक्कत मत लो। अरे भैया, और मैं भी एक मोटो ब्लॉगर हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, ऐसा कोई मतलब जैसे ये छपरी था वैसा कोई नहीं हूँ मैं। मैं यूट्यूबर हूँ और मैं सिर्फ मतलब नॉर्मल ब्लॉग बनाता हूँ, सबकी हेल्प करता रहता हूँ। जैसे रोड में कोई दिखता है ना, जैसे आज तुम लोग धूप में जा रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बस मैं यही काम करता हूँ, मेरा यही काम है दिन भर घूमने का और हेल्प करने का। अच्छा तुम्हारे भैया आ रहे हैं, लेकिन 30-35 मिनट लग जाएंगे। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पेड़ नहीं है रुकने के लिए। अब देखो कितनी धूप हो रही है, अभी तुम लोग को भी दिख रहा होगा। पानी वगैरह पिया तुम लोगों ने? प्याज वगैरह भी लग रही होगी इतनी धूप में। अभी ये परसों लेके भाग गया था, और फिर बोतल भी नहीं है रास्ते में, पूरा पानी खत्म हो गया। अच्छा पानी खत्म हो गया था रास्ते में तुम्हारा, तो चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, अरे मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम लोग छोटी बहन जैसी हो मेरी। और मेन बात, मैं इतना फोर्स नहीं करता, लेकिन धूप को देखते हुए जब मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, जब मुझे इतनी धूप लग रही है, तो तुम लोग तो पैदल चल रहे हो, तो तुम्हें कितनी धूप लग रही होगी, सिर्फ बात वाली है, बाकी कोई बात नहीं है। नहीं पर भैया आ रहे हैं। तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम्हारे भाई से बोल दो, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग कोचिंग जा रहे हैं। कोचिंग जा रहे हो तो तुम लोग, तो मैं कोचिंग छोड़ देता हूँ तुम्हें तुम्हारी। हम लोग चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगा कोचिंग, बात तो मानो कि इतनी धूप हो रही है, मत तो आप लोग परेशान, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। आ रहे हैं हम लोग, चले जाएंगे, उन्होंने बोला था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही है, नहीं तो देखो परेशान हो जाओगे तुम लोग, और कुछ नहीं। ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको। हाँ और ऐसे धूप वगैरह में मत निकला करो बाहर के, अभी बहुत गर्म हवा चल रही है ना। आज ना हमारी बस नहीं आई है, रोज आती थी पर क्या कहते हैं आज नहीं। तो यार गाइस धूप देख रहे हो, और ये दो छोटे छोटे बच्चे, अभी तो इनका पर्स ही चोरी हो गया था, मैं नहीं आता ना तो ज़रूर इनका पर्स चोरी हो गया था। बैठो बेटा, तुम लोग को पानी पीना है? हाँ। प्यास लग रही है? हाँ। तो इनको प्यास लग रही है तो चलो पहले ओ आराम से गाड़ी गिर जाएगी। बैठ गए बेटा? हाँ। ऐसे किसी के साथ आया करो ऐसे सुनसान रास्ते। अच्छा आज बस नहीं मिली, कोई बात नहीं। वो लड़का पहचान का तो नहीं था, या कोई परेशान तो नहीं करता, या फिर डेली वो? अच्छा आज ही हुआ है वो तो। अच्छा मैं पीछे से आ गया, नहीं तो वो लेके ही भग गया था तुम्हारा पर्स। चलो कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा संभल के रहा करो। 5 minutes later तो गन्ने का जूस ही पी लेते हैं। गन्ने का है जूस है भाई? है
दो गिलास बना देना। पानी मिल जाएगा भैया? पानी है, पानी पी लो बेटा तुम लोग, इधर साइड से पी लो। यार यहाँ पे सब टी स्टॉल वगैरह से थे क्या, उनके टूट गए, अनुक्रमित सीमा वाले होंगे। पी लिया बेटा? कितने होगा भैया? 30 फुल लेनी है, 30 तो यार गाइस पेमेंट वगैरह भी अपन ने कर दी है, अब तो बस निकलने का टाइम आ चुका है। तो ठीक है बेटा मैं जाऊँ, चले आओगे तुम लोग अब? थैंक यू भैया। हाँ हाँ वेलकम, चले आना आप लोग, तुम लोग आराम से। और कभी भी ऐसा हो ना, मतलब इस साइड वाली रूट पे आओ ना, तो या फिर पेरेंट्स से छुड़वाया करो या फिर बस में बैठ के आया करो। यहाँ पे टपोरी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैं तो आता ही रहता हूँ इस साइड। एक्चुअली हम लोग बस से ही आए थे, लेट हो गए। अच्छा लेट हो गए, यहाँ टाइम पे निकलना, क्योंकि यहाँ पे टपोरी ज़्यादा घूमते हैं, ये गाँव वाँव वाले यहाँ के टपोरी हैं पूरे के पूरे ना। तो तुम्हारा भाई आ रहा है या फिर मैं छोड़ दूँ? बता दिया कहाँ पर हूँ, यहीं बोल, यहीं पे बोल देना कि ऊपर चढ़ते ना जस्ट ब्रिज के लिए, ब्रिज के जस्ट आ गई है, तो आ जाएगा ना तुम्हारा भाई, जाऊँ मैं? आ जाएगा। चलो ठीक है, चलो तुम लोग आराम से आना, ठीक है बेटा? थैंक यू भैया, वेलकम वेलकम। अच्छा आप क्या करते हो? मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। आपकी आईडी? मेरी आईडी वो लिखी है क्लासी मोटो वर्ल्ड, वो गाड़ी पे लिखी है, वही है, सर्च कर लो, आ जाओ मैं सब्सक्राइब कर लो तो तुम्हें भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। ये है मेरे यूट्यूब का नाम, ये यूट्यूब का नाम मेरे क्लासी मोटो वर्ल्ड, इसमें एक परसों के दिन वीडियो आएगी तुम्हारी, और बच के रहना ना ऐसे लोगों से, ठीक है? वेलकम बेटा, आराम से आना ना। तो यार गाइस छोड़ दिया है मैंने, तो गाइस अब मेरा भी निकलने का टाइम आ चुका है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गाइस जितनी हेल्प कर सकता था उतनी हेल्प करी मैंने, ठीक है ना बेटा? आराम से आना ना, तो गाइस निकलते हैं। तो यार गाइस मैं निकल गया हूँ अब वो दोनों लड़कियों को छोड़ के। हाँ यार गाइस इतनी धूप में यार बेचारी परेशान हो जाती। गाइस मैंने तो उन लोगों को बोला था कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें मतलब ट्यूशन तक ही छोड़ देता हूँ, बट यार उनका भाई वहाँ से निकल चुका था नेहरू नगर साइड से, क्योंकि यार अब देखो उनका भाई इतनी दूर आया था कि वो ट्यूशन चल में उनको ट्यूशन तक छोड़ देता यानी जिद भी करके, तो गाइस वो बेचारे का पेट्रोल ख़त्म हो जाता और इतनी दूर आना भी बर्बाद हो जाता। तो गाइस मैंने उन्हें बोल तो दिया कि यार ये जो रोड है ना छपरियों के रिलेटिव भी रोड है, क्योंकि यार गाइस यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट नहीं तो चोरी चपारी ये सब तो चलता ही रहता है, और गाइस रात के समय तो इस वाली रूट में ज़्यादा से ज़्यादा यही सब होता है। तो गाइस मैं जितनी हेल्प कर सकता था गाइस मैंने पूरी हेल्प करने की कोशिश करी है, यहाँ तक कि गाइस मैंने ये भी बोला कि घर छोड़ देता हूँ ट्यूशन छोड़ देता हूँ, लेकिन यार गाइस कैसे कैसे चोर लोग यार, मतलब हमें पीछे से नहीं आता ना गाइस, तो पक्का उन लोग का पर्स लेके भाग जाते, और गाइस उन बेचारे के पास शायद से किराए के लिए भी पैसे नहीं रहते फिर वो तो। अच्छा हो गाइस मेरी जस्ट गाड़ी पीछे ही थी, तो मतलब उसके जो मूवमेंट थे ना गाइस थोड़े मतलब मैं दूर से देख रहा था ना। हाँ गाइस आपको घूपने में बहुत ज़्यादा वाइट दिखाता होगा, बट यार जो मैं क्लोज से देख रहा था ना उस बंदे के थोड़े मूवमेंट ही मुझे अजीब टाइप के लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे आगे गया, फिर वो लड़की थी जो थोड़ी गोरी गोरी थी उसने साइड में बैग टांग के रखा था, इसलिए उसने उसको हिट मतलब उसको खींच लिया और वो खींच के भाग गया, वो भागने में भी सक्सेसफुल रह गया था। बट यार ये अच्छा रहा कि मैं अपनी गाड़ी से पीछे ही था, तो मैंने उसे बोला रुक जा, नहीं रुका तो गाइस मैंने उसकी चलती गाड़ी में कॉलर पकड़ ली, फिर अपनी वेवो बंद करके सीधे साइड में लगाई, फिर अपन ने उससे पर्स छिनाया। तो यार गाइस ऐसे ही में कभी भी कोई भी लड़की दिखे कोई भी लड़का दिखे यार ये सब अपनी जिम्मेदारी होती है, आपकी सिटी है तो आपकी जिम्मेदारी, कल को गाइस कुछ भी घटना होती है तो मतलब जो पूरे सिटी के लोग रहते हैं वही सब लोग अपराधी कहलाते हैं, क्योंकि यार जब तुम्हारी सिटी है तुम किसी को देख रहे हो तुम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे तो भाई फिर कौन तुम्हारी हेल्प करेगा गाइस, वही वाली बात हो जाती है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, कोई भी रोड में दिखे कोई लड़का दिखे कोई लड़की दिखे, हाँ गाइस यानी अच्छे से बात करने में नहीं माने तो गाइस डायरेक्टली उसको सिस्टर बोल दो दीदी बोल दो, तो गाइस उसका थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। देखो यार गाइस अपना तो कुछ भी नहीं आता है दीदी बोलने में सिस्टर बोलने में अपना कुछ भी नहीं आता, बट यार जो सामने लड़की रहती है उसको एक तरीके से कंफर्टेबल फील होने लगता है कि नहीं यार ये लड़का मुझे दीदी बोल रहा है ये लड़का मुझे बहन बोल रहा है तो ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता मेरे साथ। तो यार गाइस अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको उनकी हेल्प करनी हो
तो डायरेक्ट उनको दीदी बोलो कि दीदी चल सकते हो कि आप, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मुझे अपना भाई जैसा ही मानो। तो गाइस ऐसे में कोई भी लड़की मान जाएगी यानी। गाइस वीडियो भी एंड करने का टाइम आ चुका है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड गाइस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और गाइस जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट छोड़ देना। और गाइस जिस किसी ने भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा हो गाइस जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए टाटा गुड बाय। और गाइस इंस्टाग्राम का यूजर नेम मेरा ये है @RudrakshSoni, तो जल्दी जल्दी जाओ और फॉलो करो। सजना जी तेरे बिना जी लागे ना, हम सबसे मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी।